नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंट ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो किसी भी एक्सेल शीट से किस तरह से प्रिंट लेते हैं, क्या है नहीं है, पूरा डिटेल में देखेंगे और किस तरह से काम करता है प्रिंट ऑप्शन और क्या क्या। जैसे कि यहाँ पे अगर स्टार सिंबल में जाएंगे, यहाँ पे आता है आपको प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का प्रिंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट आता है प्रिंट, उसके बाद क्विक प्रिंट, उसके बाद प्रिंट व्यू। ये सभी में क्या डिफरेंस है तो मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा और सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक शीट है, इस शीट में जो है क्या करना, मुझे प्रिंट लेना है। अगर प्रिंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा और यहां पे प्रिंट में है। प्रिंट में जाने के बाद मैं प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूं, मतलब क्या, ये जो प्रिंट करूंगा तो वो किस तरह से दिखेगा, प्रिंट आने के बाद जो है उस किस तरह से दिखेगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। जैसे यहां पे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक किया, ओके किया, ठीक है, तो वो क्या होगा ये देखिए। ये प्रिंट होने के बाद जो आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो प्रिंट इस टाइप से आएगा। ठीक है, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वन पेज का प्रिंट है और इस टाइप से आपको प्रिंट में दिखेगा। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो इसको इस टाइप से प्रिंट में दिखेगा। तो ये तो हो गया प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज द प्रिंट प्रीव्यू। तो क्या किया, देखिए प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए यहां पे प्रिंट गए और यहां पे प्रिंट प्रीव्यू क्लिक किए। ठीक है, अगर प्रिंट प्रीव्यू की क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपका जैसा वो प्रिंट आउट आएगा उस टाइप से यहाँ पे पेज, पूरा पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। ठीक है, अगर आपको जूम करके देखना तो आप यहाँ पे इसको जूम करके भी देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रिंट प्रीव्यू का तो आपको पता चल गया, यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं, क्लियर। तो यहां पे जो मैंने देखा प्रिंट प्रिंट में जाने के बाद, इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस पी। अगर प्रिंट का लेते हैं, कंट्रोल प्लस पी जो है आपका शॉर्ट की होता है। और प्रीव्यू देखना चाहते तो ये प्रीव्यू आप देख चुके हैं। और चलिए यहां पे दो ऑप्शन और है, एक है क्विक प्रिंट और दूसरा है प्रिंट। ठीक है, तो चलिए पहले देखता हूं प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन किस तरह से काम करता है। ओके, तो अगर आप यहां पे जाओगे स्टार्ट में और यहां पे प्रिंट में जाएंगे और यहां पे प्रिंट प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक न्यू विंडोज जो है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विंडोज का क्या काम है कि आप जो है प्रिंट के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किस तरह से प्रिंट देना है। अगर आप यहाँ पे प्रिंटर भी, डिफरेंट वैरायटी का प्रिंटर है, वो भी आप चूज कर सकते हो कौन सा प्रिंट से काम करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है वो भी आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं या लैंडस्केप में चाहते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग करके अलग अलग सेटिंग में आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कौन सा पेज चाहिए, पेज नंबर वन चाहिए, कहाँ से कौन सा पेज चाहिए, कितना कॉपी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए या इंटायर वर्कशीट चाहिए। ठीक है, तो सभी कुछ आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद। यहाँ से एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, सेटिंग करने के बाद जो है आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। ठीक है, किस तरह से प्रिंट आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था अभी, मैंने क्या बताया आपको, ओके प्रिंट पे गया, प्रीव्यू आप बता चुका हूं, और प्रिंट में जाने के बाद जो है यहां पे सेटिंग किया। सेटिंग करने के बाद अगर आप यहां पे सभी कुछ ओके है तो आप ओके क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ओके क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक देखिए नाउ प्रिंटिंग करता है, क्योंकि मैं यहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया हूं, प्रिंट किया हूं, तो यहां पे आपको नाम देना है। ठीक है, और ओके कीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपका प्रिंटर रहता तो ऑटोमेटिक जो है कनेक्ट होके प्रिंट दे देता। ठीक है, तो चलिए बता चुका हूं मैं अभी, यहां पे प्रिंट ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है, क्या है नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बचा क्विक प्रिंट। ठीक है, ये क्विक प्रिंट क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है, देखिए इसका क्या काम है, अगर आप प्रिंट में जाओगे, यहां के प्रिंट में आप सेटिंग कर सकते हो, यहां पे प्रीव्यू देख सकते हो। अगर क्विक प्रिंट किया तो देखिए क्या होता, मैं यहां पे क्विक प्रिंट पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है, देखिए सब भी कुछ जो है यहाँ जो भी सेटिंग है ऑटोमेटिक सिलेक्शन होके प्रिंट होके आपको निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे पीडीएफ में मैं फॉर्मेट में किया हूँ तो यहाँ पे आप नंबर दो। ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है प्रिंट होके वापस आ गया, कोई सेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी इसमें नहीं मांगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको प्रिंट प्रीव्यू में कुछ भी सेटिंग्स नहीं चाहिए। ठीक है, करेक्ट,
क्लियर है। इसमें ओनली प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट मिलेगा, यहाँ पे आप सेटिंग करके जो है प्रिंट देख सकते हो। ठीक है, क्या था फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, किस तरह से प्रिंट का प्रीव्यू आएगा, किस तरह से प्रिंट आएगा, उस तरह से आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट जो भी सेटिंग है वो सेटिंग लेके प्रिंट करके आपको डॉक्यूमेंट्स हाजिर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट में क्या है, प्रिंट में जो आपको सेटिंग्स है, सभी सेटिंग्स है, सिलेक्शन है, सभी कुछ आप कर सकती हो। ठीक है, तो कैसा लगा आपका प्रिंट ऑप्शन, किस तरह से ये प्रिंट कंट्रोल पी और ये तीनों ऑप्शन यूज करते हैं आपने देख चुका है। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ हम लोग मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।